आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल 13.6। फर्स्ट एग्जांपल है एक्सरसाइज को जो हम करेंगे। ये चैप्टर गर्ल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से लॉन्ग भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं और एमसीक्यूज भी इस चैप्टर में से आते हैं। अ कंपनी क्लेम्स दैट द एवरेज अमाउंट ऑफ कॉफ़ी इट सप्लाइज इन जार्स इज 6.0। ठीक है, एक कंपनी क्लेम कर रही है कि वो जो कॉफ़ी की एवरेज अमाउंट है जो कि जार्स में वो सप्लाई कर रही है वो एवरेज क्या है, 6.0। एवरेज क्या होता है, मीन। इसका मतलब जो पॉपुलेशन मीन है वो क्या है, 6, विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.2। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो सिग्मा है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, वो है 0.2। अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 जार्स, के 100 जार्स का सैंपल उसने लिया। अब ये 100 क्या आ जाएगा, स्मॉल एन, क्योंकि स्मॉल एन डिनोट करता है सैंपल साइज को। इट सेलेक्टेड, अब आप देखिए उसने 100 जार्स का सैंपल लिया, इसका मतलब कि सैंपल साइज 30 से बड़ा है। एंड एवरेज इज़ फाउंड टू बी 5.9, और जो एवरेज निकली इस सैंपल की वो क्या है, 5.9। अब यहाँ पे क्या आएगा, सैंपल मीन। तो उसने जो एक्स बार है वो आपको 5.9 दिया है, सिग्मा 0.2 दिया है, और जो म्यू है वो 6.0 उसने आपको दिया। इज द कंपनी चीटिंग द कस्टमर्स, क्या कंपनी जो है कस्टमर्स को चीट कर रही है, क्योंकि आप देखें उसने कहा था कि कॉफ़ी के जो एवरेज अमाउंट है 6.0 है, लेकिन जब सैंपल टेस्ट किया गया तो वो क्या निकली, 5.9। इसका मतलब उससे लेस आ रही है। यूज़ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और जो अल्फ़ा है वो हम क्या लेंगे, 0.05। स्मॉल एन 100, एक्स बार भी उसने स्पेसिफाई कर दिया, सिग्मा भी दे दिया। सबसे पहले हम बनाएंगे H1, क्योंकि आप देखें 5.9 इज लेस दैन 6.0। लेस का साइन आएगा और लेस का साइन H1 में ही जाएगा, क्योंकि वाहिद H1 ही है जिसमें अल्टरनेटिव में हम इक्वालिटी का साइन नहीं लेते, H0 में हम इक्वालिटी का साइन लेते हैं। इसलिए लेस का साइन हम किस में लिखेंगे, H1 में। H1 म्यू इज लेस दैन 6.0। यहाँ पे जो है म्यू नोट, कल जब मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराए थे सारे स्टेप्स, उसमें आपने यहाँ पे क्या आया था, म्यू नोट। म्यू नोट मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन मीन है, उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, और एच नोट हम उसको अल्टरनेटिव बना देंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू। अल्फा उसने दे दिया 0.05, के सेकंड स्टेप।